तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान के डे 3 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब कल सैटरडे को क्या तबाही मचाई इसने पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक एक एक चीज़ हमारे पास है। हिंदी से कितनी कमाई करी, ओवरसीज से कितनी कमाई करी, पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी और पूरे दिन कल कितनी कमाई करी है, सारी रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब सारे प्रीवियस रिकॉर्ड तो इसने तोड़ ही दिए हैं, कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं बचा है जिसने इसे नहीं तोड़ा है। हिंदी से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इस मूवी के रिकॉर्ड को कौन तोड़ पाएगा, जो ये दनादन जो सेट करके चल रही है। फर्स्ट डे पे इतना ह्यूज कलेक्शन किया, सेकेंड डे पे ह्यूज कलेक्शन किया, थर्ड डे पे ह्यूज कलेक्शन किया, क्योंकि हिंदी से इतना हाई आंकड़ा कभी गया नहीं है और बॉलीवुड की मूवी के पास तो कभी गया ही नहीं है। तो अब जवान को कौन खदेड़ पाएगा, तो दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि डे 3 में कोई भी मूवी अपने पहले और दूसरे दिन के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। पहले तो इसने, उसके बाद डे 3 में किसी ने भी इतनी ह्यूज ग्रोथ नहीं करी, ना बाहुबली 2 ने, ना KGF 2 ने, ना फिर पठान ने। तो हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ा। बाहुबली 2 ने जो डे 3 में हिंदी कलेक्शन किया था, मतलब फर्स्ट संडे में जो कलेक्शन किया था हिंदी से, उसके रिकॉर्ड को तोड़ा। KGF 2 ने डे 3 के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ा और फर्स्ट संडे में कितना कलेक्शन किया था हिंदी से, उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पठान के रिकॉर्ड को तो इसने तोड़ ही दिया है। और RRR तो कहीं दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है डे 3 के हिंदी कलेक्शन के मामले में और फर्स्ट संडे के कलेक्शन के मामले में। तो कल ऑफिशियली डे 3 की पूरी डेटा आ चुकी है, एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हिंदी से कितनी कमाई करी। भाई साहब, हिंदी से ऑफिशियली हिंदी से 68 करोड़ के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर अपने खाते में रखा। 68 करोड़ की कमाई अपने डे 3 से कमाया है जवान ने कल डे 3 में। फर्स्ट डे कितना कमाया था, 65.5 करोड़, तो उसको पीछे कर दिया। सेकंड डे कितना कमाया था, उसको ही पीछे कर दिया। तो पहले दिन और दूसरे दिन दोनों ही दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया हिंदी से। तो कल सैटरडे पर इतना आया और आज तो संडे है, आज कितना आ सकता है, 75 करोड़ मान के चल रहे हैं क्या, 75 करोड़ आ सकता है, चलो मानते हैं। मैक्सिमम आंकड़ा है ये, मिनिमम नहीं ले रहे, मिनिमम आंकड़ा मेरी तरफ से 70 करोड़ है, लेकिन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि 75 करोड़ ये क्रॉस कर ही जाएगी आज संडे पर एंड ऑफ द डे तक हिंदी कलेक्शन से। तो इसी के साथ पहले 3 दिन का टोटल नेट हिंदी कलेक्शन कितना हो सकता है, 180 करोड़ को टच कर गया है पहले 3 दिन का हिंदी कलेक्शन। अब मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि टोटल हिंदी से कितना कमा ले जाएगी, मतलब लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में हिंदी से कितना कमा ले जाएगी। 500 करोड़ बहुत छोटा आंकड़ा लग रहा है, 600 करोड़ में भी ये भी एक बार के लिए छोटा लग रहा है। तो 700 करोड़ अगर भाई साहब 700 करोड़ हो जाता है तो मैं यहाँ कह रहा हूँ तबाही मच जाएगी, किसी का बाप नहीं तोड़ पाएगा इस रिकॉर्ड को आने वाले 10 साल में। सिर्फ टाइगर 3 में वो पोटेंशियल है, बाकी सलार में प्रभास कर सकता है। और मैं एक बार मान के चल रहा हूँ रणवीर कपूर की दिसंबर में एनिमल मूवी जो आ रही है वो कर सकती है, क्योंकि एक्शन और मासी के लेवल में वो दमदार जबरदस्त करने वाली है। तो बाकी इनके अलावा कोई किसी में इतना पोटेंशियल दिख नहीं रहा है कि इस मूवी के हिंदी कलेक्शन को खदेड़ पाए। इसी के साथ पूरी दुनिया से अगर बात करें तो पूरी दुनिया से अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, मैं कह रहा हूं पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, हेटर्स की ना बोलती बंद हो चुकी है, हेटर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा कलेक्शन अभी होता है क्या, और वो भी SRK की मूवी में। पठान तो चलो जैसे तैसे थी, अब जवान ने इतना भयंकर कलेक्शन किया है, मतलब जवान से इतनी उम्मीद थी ही नहीं, पठान के आसपास चलो एक बार के लिए मान के चल रहे थे, लेकिन पठान को भी हल्के फुल्के रिकॉर्ड से नहीं तोड़ रही है, 10-10 करोड़ के डिफरेंस दे रही है, इतना ज़्यादा अंतर कर दे रही है। तो डे 3 में कल पूरी दुनिया से 144 करोड़ का कलेक्शन होल्ड किया है जवान ने, मास्टर ब्लास्टर। कोई भी मूवी ऐसा जबरदस्त आंकड़ा अपने नाम नहीं कर पाई है, हेटर्स की आंखें चौंधी आ गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यार आखिर चल क्या रहा है, इतनी कमाई ये कैसे कर रही है, मतलब अब इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला कोई माइकल लाल है या नहीं है, मुझे तो कतई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो कल डे 3 में पूरी दुनिया से 144 करोड़ का आंकड़ा रहा। तो आज संडे है, फिर आज कितनी होगी, चलो मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, आज तुम ही लोग प्रिडिक्ट करो कि कितना कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक जवान कर सकता है। मिनिमम आंकड़ा सेट कर दूं, मिनिमम आंकड़ा मैं मान के चल रहा हूँ 150 करोड़ करेगा ही करेगा आज पूरी दुनिया से डे 4 में, संडे के एंड ऑफ द डे तक। तो अब पूरी दुनिया से पहले 3 दिन में कितना कलेक्शन कर लिया है जवान ने कल तक एंड ऑफ द डे तक, लगभग 384.5 करोड़, मतलब 385 करोड़ का स्ट्रांग होल्ड पहले 3 दिन में ही कर लिया है जवान मूवी ने। भाई साहब सुपर ब्लास्टर, मतलब मैं अब क्या कहूँ, SRK के लिए तो मजाक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो ये 1500 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया से छोटा लगने लग गया है, हाँ पूरी दुनिया से बाय गॉड। और मैं अब ये सोच के चल रहा हूँ कि कहीं 2000 करोड़ क्रॉस ना कर जाए लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पूरी दुनिया से। तो अब आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 1500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगी और या फिर
आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब मूवी 2000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी पूरी दुनिया से लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और 10 दिन में तो ये 1000 करोड़ करेगी, अब तो मैं सवाल डाल ही नहीं रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 10 दिन में 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी कितना कर सकती है, और आज संडे एंड ऑफ द डे तक डे 4 पर कितनी कमाई कर सकती है, 150 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं? फटाफट ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना, और मूवी अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना हमारे साथ। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।